है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। तो सबसे बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आ रही है। थाना मंडी के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के धान मंडी के पास स्थित राम मोहल्ला में एक और कोरोना मरीज सामने आया और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा है तो कुछ गलियों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। मौके पर शहर थाने के उप निरीक्षक कटारा और प्रधान आरक्षक प्रदीप सिंह तोमर मौके से उपस्थित रहे। पटलिया से प्रदीप दास की रिपोर्ट। साहब भी आए थे, उनको लेकर एरिया कौन सा ब्लॉक करना है इस संबंध में ब्लॉक करवा रहे हैं। आपका नाम है? उप निरीक्षक वर सिंह कटारा, कोतवाली मंडी। थैंक यू। यूपी के बरेली जिला के थाना फतेहगंज पश्चिमी निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि 23 जून की शाम 4 बजे उसके घर में नल मिस्त्री पप्पू और उसके दो अन्य साथी घर में टंकी ठीक करने आए और इन लोगों ने महिला के पति को सामान लाने बाहर भेज दिया तो महिला को घर में अकेला पाकर मिस्त्री पप्पू महिला के कमरे में आया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसके साथी ने भी दुष्कर्म किया तो चीख पुकार सुनकर तीनों लोग वहां से भाग गए। महिला जब थाना फतेहगंज गई तो उसको वहां से भगा दिया गया। महिला ने एसएसपी से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। देखिए बरेली से शहबाज बेग की रिपोर्ट। कहां से आई हो? फतेहगंज पश्चिमी से आई हूं। क्या हुआ तुम्हारे साथ? नल की टंकी सभी सही करने के लिए आया तो मेरे पति को भेज दिए सामान लेने के लिए और हमें अकेले देख के रेप चले गए और सामान लेने का हमें अकेले देख के रेप फिर पप्पू उस नहीं से उसके साथ दो आदमी भी था। कहाँ का वो? पता नहीं कहाँ का है, फतेहगंज के ही शायद है। नल सही करने आया था, कब आया था? शाम को, शाम आया था। कितने दिन हो गए? कल की बात है। कल की बात है जी। कहाँ, घर में पकड़ लिया अंदर, बाहर कमरे में ले गया था? कमरे में, हम कमरे में ही थे। लेटी हुई थी आप कमरे में? जी सर। कमरे में पकड़ लिया आपको? हम्म। क्या लोगों ने रेप करा? तीन लोगों ने। तीनों ने उसी साथ के थे? जी। क्या नाम है तीनों का? एक का नाम पता है और दो का नाम नहीं पता। क्या करके आए थे तुम्हारे घर पे? टंकी सही करने आया था नल। टंकी सही करने आया? तो पति कितनी देर बाद आए? पति तो बहुत देर बाद आए हैं तो बताए तो। आप घर में चिल्लाई नहीं? घर कोई नहीं था, हॉल आनंद बैंकट हॉल में थे हम लोग। तो जी रहने वाले थे? पति जब तुम्हारे यहाँ तो भाग गए थे, रुक रहे हैं? वे लोग बहुत देर के चले गए तभी मेरे पति आए तभी हम बताए अपने पति को। टंकी सही नहीं करी थी? नहीं नहीं सही थी। हाँ। लेके कौन आया था टंकी मिस्त्री का? फोन करा था। फोन करा था कि आपको नंबर कहाँ से मिला? हम मेरे नंबर घर पे ही है मोबाइल। नल मिस्त्री का नंबर लिया था मैंने? जो लिया था। किससे लिया था? लड़के से। मेरे पति लेकर आए थे सर। थाने गए थे? जी थाने से गए, थाने से वापस चले आए बाहर से ही। थाने को सुनवाई दी? हम्म। आप क्या चाह रही हो? कानूनी कार्रवाई करने के लिए चाह रही। कितने साल हो गए? 2 साल। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं, पेट अभी है 5 महीना के पेट में। झारखंड के रांची जिला में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण उराव ने सिद्धू कान्हू के छठे वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग सरकार से की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को 10 लाख मुआवजा अविलंब दिया जाए। डॉक्टर उराव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासियों के हित की बात करने वाली सरकार के शासन में सिद्धू कान्हू जैसे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज की हत्या के बाद एफआईआर दर्ज होने में देरी होना कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता को साफ दिखाती है। देखिए रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। और उस हत्या के हत्या को रजिस्टर करने में, एफआईआर को रजिस्टर करने में करीबन 5 से 7 दिन लगे। रजिस्ट्रेशन के बाद भी जो रफ्तार है इन्वेस्टिगेशन की, जो
जो इतने बड़े मामले हैं वो बिल्कुल कछुए की गति से चल रही है। ये एफ आई आर दर्ज कराया गया रामेश्वर गोगो जी की पत्नी के द्वारा और मजबूर हमारे पास में, उसमें उन्होंने नामजद किया कि ये सुनियोजित हत्या किसने किया और उसका जो प्रोकेशन का कारण क्या था वो एफ आई आर में अपने उनके पद बयान में स्वर्गीय रामेश्वर राव जी की पत्नी के पद बयान में है। तो फिर इतनी देरी क्यों हुई? ये जानकारी आई है कि कल जो मुख्य अभियुक्त है, जो अभियुक्त नामजद है, वो कल साहिबगंज कोर्ट में सरेंडर कर गया है। हम लोग चाहेंगे कि इस मुख्य अभियुक्त को पुलिस रिमांड के लिए प्रशासन पूछताछ करे और इसके पूरे अंदर तक जाए, इस हत्या का वजह क्या था और कौन कौन लोग शामिल थे इसमें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिएगा। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा, सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर। ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र, यहां पर हर प्रकार की बीमारी खासकर दिल की बीमारी, मासिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल माल रोड अगरसैन चौक फिरोजपुर, मोबाइल नंबर 7009302301 0162351231. हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। झारखंड के रामगढ़ जिला में गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को एएमआईएम पार्टी ने बुधवार को चितरपुर बस स्टैंड के समीप कैंडल मार्च निकाल श्रद्धांजलि दी। साथ ही एएमआईएम पार्टी के मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हामिद हाशमी, रामगढ़ जिला अध्यक्ष असद खान सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। हामिद हाशमी ने कहा कि केंद्र सरकार चीन से सारा व्यापार खत्म करे और घाटी में शहीद हुए जवानों का बदला ले। चीन को सबक सिखाना जरूरी है, चीनी सामानों का बहिष्कार कर उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। जिलाध्यक्ष असद खान ने कहा कि हम हिंदुस्तानियों के सीने में बदले की आग भड़क रही है और हमारे देश के जवानों के ऊपर चीनी देश ने हमला कर नीचता का परिचय दिया है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। देखिए रामगढ़ से नदीमुल्ला की रिपोर्ट। ये जो कैंडल मार्च कर रहे हैं आप, किस लिए कर रहे हैं और चीन के विरोध में आप लोगों का क्या क्या सहमति इसमें? देखिए ये जो आज कैंडल मार्च किया गया है वो गालवान घाटी में पिछले दिनों जो घटना हुई है इसमें हमारे चीन के 20 जवान को शहीद कर दिया गया है। बड़ी कायरतापूर्वक और बड़ी बर्बरतापूर्वक जो हमारे हमारे जवानों को शहीद किया गया है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने ये कैंडल मार्च ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले किया है, जिसकी दिशा निर्देश हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था और उसका नेतृत्व जो हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री जुबान मलिक जी कर रहे हैं और इसी तरह के झारखंड के पूरे 81 विधानसभा में आज ये कार्यक्रम किया गया है और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रामगढ़ विधानसभा में ये कैंडल मार्च किया गया है। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, चीन से अब बदला लेने का वक्त आ गया है, वार्ता से बात नहीं चलेगा। आपने हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा में ये बात कही थी कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, तो साहब अब ये 10 सर लाने का वक्त हो गया। अब इस देश की जनता आराम से नहीं बैठेगी, अब चीन से बदला लेना है और साथ ही साथ जितने भी कारोबार है हम कर रहे हैं चीन से उस कारोबार को अविलंब बंद किया जाए
बीसीसीआई से भी हम अपील करते हैं कि अविलंब वीवो से करार खत्म किया जाए और साथ ही साथ जितने भी टीम के साथ हमारे रिश्ते हैं, अभी मैं अपने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी ये अपील करता हूं कि अडानी पावर प्लांट का जो ठेका चीन की कंपनी को दे दी गई है उसे अविलंब बंद करके किसी भारतीय कंपनी को वो ठेका दिया जाए और भारतीय का कंपनी से हम वो काम करवाना चाहेंगे, ना कि चीन के का किसी कंपनी से। धन्यवाद। तो बोलिए सर, ये चीन का जो आप लोग विरोध कर रहे हैं ये किस प्रकार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हमारे जो जवान शहीद हुए हैं बॉर्डर पर गलवान घाटी पर, और शहीद होने के बाद भारत सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ली। वार्ता और चीन से व्यापार चालू है, ड्यूअल पॉलिसी के खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार इस पे एक्शन ले और हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनके खिलाफ उनका बदला लिया जाए। आज 56 इंच का सीधा हम लोग को देखना है कि हमारे भारत सरकार में मोदी जी 56 इंच का सीधा कैसे नहीं दिखाता है। और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि हम हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए। और चीनी व्यापार जो गुप्त रूप से चला जा रहा है, एक तरफ बोलता है कि चीन से हम रिश्ता नहीं रखेंगे और दूसरे तरफ चीन से व्यापार किया जा रहा है। कल हमने एक ये सुना कि बीसीसीआई साफ इनकार कर दिया है कि वीवो से अपना वीवो का जो प्रचार कर रहे हैं वीवो का उसमें स्पॉन्सरशिप बंद नहीं करेंगे। तो ये ड्यूअल पॉलिसी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि खुद भारत सरकार एक तरफ अपना रिश्ता रखना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग को उल्लू बना रहे हैं। तो भाई चीन से पहले व्यापार बंद कीजिए और चीन से हम लोग जो हमारे जवान शहीद हुए उनका एक एक कतरा खून का बदला लिया जाए और हमारा देश का एक एक जर्रा जमीन जो चीन लिया है उसको वापस हम लोग चाहते हैं अपने देश में। झारखंड के रामगढ़ जिला स्थित जामताड़ा में 16 जून को एक ट्रक से हुई 5 लाख की लूट मामले में पुलिस ने लूटी गई पूरी राशि को बरामद कर लिया है। एसपी अंशुमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिसकी जानकारी दी। देखिए रामगढ़ से नदीमुल्ला की खास रिपोर्ट। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।